आदर्श एकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और एजुकेशन से जुड़े लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 का जो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित हम इस वीडियो में आपके लिए अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं, यानी सामान्य हिंदी से संबंधित जो कंटेंट हैं, उनको लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे यूपी पीसी से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चल रहा है जीएस से संबंधित। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो जाते हैं वो सभी आपके लिए आपके एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण और सहायक होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी की हम बात करेंगे, जिसमें हम आपसे स्पेशली अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम पर्यायवाची, विलोम, विशेषण सभी चीज़ों से संबंधित वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कथन दिया जाएगा, एग्जाम में पूछता है कि इसके लिए कथन चुनिए, तो वहाँ पर आपको चार विकल्प दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार हम उन कथनों को और उनके लिए जो एक शब्द होंगे या एक वर्ड होंगे उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले कथन की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसे कहते हैं अनुग्रहित। ठीक है, ग्रहित जिस पर मतलब एक तरह से रेडी हो जो, और अनु का आ लगा देते हैं तो जो अनुग्रही हो, जिस पर ऋण हो, एक तरह से आप समझ लीजिए, ऋण तो नहीं होता लेकिन एक तरह से जिस पर कृतज्ञ हो तो उसे बोला जाता है अनुग्रहित। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, यानी जो छात्र जो गुरु के पास हो या गुरु के समीप हो उसे बोला जाता है अंतेवासी। अगला, जो कुछ ना जानता हो, कहते नहीं अनभिज्ञ है इस चीज़ से, तो यानी कि उसको कुछ भी नहीं पता है तो उसे बोला जाता है अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो। अगला, जिसका निवारण ना हो सके, तो निर्णित का मतलब होता है जिसका निवारण हो सके, और अनिर्णित का मतलब होता है जिसका निवारण ना हो सके। अगला, जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो तो उसे बोलते हैं अवश्यम भावी। भावी का मतलब होता है आने वाला, जैसे आपने सुना होगा भावी प्रत्याशी, भावी पीढ़ी, तो भावी पीढ़ी, भावी प्रत्याशी का मतलब होता है जो आने वाला है, और अवश्य का मतलब जरूरी, तो जो जरूरी यानी अवश्य रूप में आने वाला है वो होता है अवश्यम भावी। अगला, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, तो आपको पता है वैध मतलब जो कानून के अनुरूप हो, और अवैध का मतलब जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अपोजिट हो। अगला, जो शोक करने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अशोक्य। ठीक है, शोक्य, अशोक्य, यानी शोक का मतलब शोक करने वाला, अशोक का मतलब शोक करने योग्य ना हो। जिस पर आक्रमण हो उसे बोलते हैं आक्रांत। अगला, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, तो चिन्हित यानी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोक्ता यानी अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते हैं अभियोक्ता या अभियोगी। अगला, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे बोलते हैं अनुपम या फिर अनन्य, उसके समान कोई भी दूसरा ना हो। अगला, जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। अगला, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। अगला, जिसका कोई अर्थ ना हो यानी जो अर्थहीन हो, तो जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे बोलते हैं अर्थहीन या फिर व्यर्थ। व्यर्थ मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगला, जो लिखना पढ़ना जानता हो तो उसे बोलते हैं साक्षर, और जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसको बोलते हैं निरक्षर। अगला, जो उपकार को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। कहते नहीं है कि आपने हम पर उपकार किया, हम आपके कृतज्ञ हैं, तो वही होता है कृतज्ञ जो उपकार को मानता है। जो जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय, और जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोला जाता है अपराजेय। अच्छी कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन या फिर अभिजात। अभिजात वर्ड मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग हो, जो एक तरह से विचारधारा में एक अच्छे कुल में जन्म लेने वाला हो, इसे बोला जाता है अभिजात या फिर कुलीन। अगला, जो भू को धारण करे उसे बोलते हैं भूधर। धर का मतलब धारण करने वाला, तो भूधर का मतलब भू को धारण करने वाला। अगला, जो मृत्यु को जीत ले तो उसे बोलते हैं मृत्युंजय। महामृत्युंजय जाप जो कराया जाता है वो एक रूप से जो मृत्यु को विजयी बनाने के लिए, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, मृत्यु को जीत लेने के लिए कराया जाता है एक तरह से। तो मृत्युंजय जो होता है, जो मृत्यु को जीत ले। अगला देखते हैं,
खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है तो उसे बोलते हैं पाथेय। पथिक को समझते हैं, पथिक का मतलब होता है रास्ते में चलने वाला यात्री यानी यात्रा करने वाला, और पथेय जो खाद्य सामग्री उसको यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जा रही है। आधी रात का समय को बोलते हैं निशिथ। अगला, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, अनाहूत। अगला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं मुमुच्छु, ठीक है, मुमुच्छु। इसे बोलते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है। अगला, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं नेपथ्य। इसके बाद अगला, हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं समिधा। अगला, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे बोलते हैं दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर, दिगंबर आपने सुना होगा, तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसको बोलते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानीन, याद रखिएगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। इसके बाद पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। जठर मतलब एक तरह से पेट होता है, तो उसकी अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। अगला देखते हैं, पीठ, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हौदा। जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है उसे बोलते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। इसके बाद रनिवास में कड़े पर्दे में होने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, असूर्यपस्या। इसके बाद उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त। ये क्वेश्चन ज़रा समझ में नहीं आ रहा, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, अगले वीडियो में जो भी कन्फ्यूज़न होगा हम दूर कर देंगे। इसके बाद उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, रिक्त। उसके बाद गिरा हुआ के लिए एक शब्द, यानी जो गिरा हुआ उसे क्या बोलते हैं, पतित। इसके बाद अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक। जो स्वयं खुद ही दूसरे की सेवा करे उसे बोलते हैं स्वयं सेवक। इसके बाद गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी। उसके बाद अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को क्या बोलते हैं, कृतार्थ। यानी कहते हैं ना, हम कृतार्थ हो गए हैं, हमारा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया और हम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, तो उसे बोलते हैं कृतार्थ। इसके बाद नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उन्हें क्या बोलते हैं, काली सूची, ठीक है। तो ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहेंगे और जो भी पॉइंट होगा समझाने के लिए वो हम समझाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे ट्रिक होगा वो ट्रिक समझाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी प्रकार से हम आपको चीज़ें कंटेंट के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं सभी कराने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।